हेलो एवरीवन, आई एम पूजा पवन। मेरे यूट्यूब चैनल रोजगार गाइड पे पर फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके सामने फिर से लेटेस्ट वैकेंसी लेकर आई हूँ, जो कि ICSI यानी द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया से आउट की गई है। कौन कौन सी पोस्ट पर वैकेंसी आउट की गई है, नंबर ऑफ वैकेंसी कैटेगरी वाइज क्या रहने वाली है, एलिजिबिलिटी क्या मांगी गई है, कौन से एज ग्रुप के लोग अप्लाई कर सकते हैं, लास्ट डेट क्या रहने वाली है, सैलरी क्या मिलने वाली है, अप्लाई कैसे करना है, सिलेक्शन प्रोसीजर कैसा रहने वाला है, इन सारी चीजों के बारे में डिटेल में वन बाई वन डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली नोटिफिकेशन आप तक टाइमली पहुंच जाए। फ्रेंड्स, इस वैकेंसी से संबंधित लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करेंगे, आपके सामने द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया की वेबसाइट ओपन होकर आ जाएगी। होम पेज पे ही करियर सेक्शन में क्लिक करने के बाद वैकेंसी से संबंधित डिटेल्स आपके सामने फर्स्ट नंबर पे ही आ जाएगी। तो यहाँ से फ्रेंड्स से डाउनलोड करके आप देख सकते हैं, जिसे मैंने डाउनलोड कर लिया है और ये देख लेते हैं क्या डिटेल्स इसमें दी गई हैं। तो फ्रेंड्स, ये वैकेंसी ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। परमानेंट पोजीशंस के लिए वैकेंसी है एंड इसकी पोस्टिंग प्लेस न्यू दिल्ली एंड नोएडा में रहने वाली है। तो पोस्ट देख लेते हैं। जॉइंट डायरेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर में वन वैकेंसी है। 50 इयर्स की एज मांगी गई है। लेवल 12 की सैलरी है एंड 17.2 लाख पर एनम आपकी यहाँ पर सैलरी बनेगी। एंड एज रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स के हिसाब से सभी पोस्ट पर फॉलो होगा। एजुकेटिव अकेडमिक्स में 5 वैकेंसी है। एजुकेटिव लॉ में 3 है। एजुकेटिव फिनेंस एंड अकाउंट्स में भी 2 वैकेंसी है। एजुकेटिव इंटरनल ऑडिट में 1 है। एजुकेटिव इंटरनेशनल अफेयर्स एंड रिसर्च में भी 1 है। एचआर में भी 1 है। जूनियर प्रोग्रामर के लिए भी 1 वैकेंसी दी गई है। एजुकेटिव लेवल की सारी वैकेंसी में लेवल 8 की सैलरी यहाँ पर दी जा रही है एंड 35 ईयर एज यहाँ पर मैक्सिमम मांगी गई है। एज की काउंटिंग 1 मई 2023 तक की जाएगी, जबकि जूनियर प्रोग्रामर के लिए लेवल 4 की सैलरी है एंड यहाँ पर 35 ईयर एज इस भी दी गई है। एंड लास्ट डेट अप्लाई करने की 20 जून 2023 है, जिसे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करने का लिंक इसी पीडीएफ फाइल में दिया गया है। देख लेते हैं क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है। जॉइंट डायरेक्टर के लिए अगर आपके पास बीटेक सिविल इंजीनियरिंग में है, साथ ही आपके पास 13 ईयर का एक्सपीरियंस है, जिसमें से 5 ईयर का एक्सपीरियंस एज अ सीनियर एग्जीक्यूटिव पोजीशन पर है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड जॉब का कंटेंट्स आपका क्या रहेगा, सभी पोस्ट में डिटेल्स दी गई है। सीनियर एग्जीक्यूटिव अकेडमिक्स में यहाँ पर 5 वैकेंसी में इन डायरेक्ट टैक्सेस, गुड एंड सर्विस टैक्स, GST, कस्टम्स एक्सरसाइज के लिए, 1 सिक्योरिटीज लॉ एंड कैपिटल मार्केट के लिए, कंपनी लॉ, प्रोफेशनल डेवलपमेंट, पर्सपेक्टिव प्लानिंग के लिए वैकेंसी है। अगर आपके पास MCOM है, साथ में आपके पास ACS या ACA या ACMA है, या आपके पास PG डिग्री इकोनॉमिक्स, कॉमर्स या मैनेजमेंट या लॉ में है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम 5 ईयर का एक्सपीरियंस संबंधित डिसिप्लिन में मांगा गया है। पूरी डिटेल्स दी गई हैं किस किस डिसिप्लिन में वैकेंसीज है यहाँ पे। अदर वैकेंसीज की डिटेल्स देखें तो एग्जीक्यूटिव लॉ के लिए सिंबल यहाँ पर LLB मांगा गया है, साथ ही 5 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है। नेक्स्ट है एग्जीक्यूटिव फिनेंस एंड अकाउंट्स के लिए, यहाँ पर आपके पास BCOM के साथ में आपके पास मेंबरशिप ऑफ ICSI या ICAI या ICAI कॉस्ट या 2 ईयर का फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री डिप्लोमा मैनेजमेंट में है, साथ ही आपके पास स्पेशलाइजेशन फिनेंस में है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। 5 ईयर का एक्सपीरियंस यहाँ पर मांगा गया है। एग्जीक्यूटिव इंटरनल ऑडिट के लिए यहाँ पर ग्रेजुएशन BCOM मांगा गया, साथ ही आपके पास मेंबरशिप ICSI या CAI CAW का होना चाहिए, या सेम डिग्री है जो आपके यहाँ पर सेम एलिजिबिलिटी मांगी गई है जो एजुकेटिव फिनेंस एंड अकाउंट्स की एंड इंटरनल ऑडिट की एलिजिबिलिटी यहाँ पर सेम मांगी गई है। एजुकेटिव इंटरनल अफेयर्स रिसर्च के लिए अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री मैनेजमेंट, पब्लिक पॉलिसी, डिप्लोमेसी, फॉरेन पॉलिसी, इंटरनेशनल रिलेशंस के साथ में 5 ईयर का एक्सपीरियंस संबंधित क्षेत्र में है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेटिव HR के लिए यहाँ पर MBA, PG DBM है या MSW है, या आपके पास MA पर्सनल मैनेजमेंट में स्पेशलाइजेशन PMIR में है या MHROD में है या इक्विवेलेंट डिग्री है, या आपके पास डिप्लोमा है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। डिप्लोमा आपका 2 ईयर का ड्यूरेशन का होना चाहिए एंड 5 ईयर का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है।
जूनियर प्रोग्रामर के लिए अगर आपके पास MCA है या BTEC है कंप्यूटर साइंस में, IT में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। 3 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है यहाँ पे। अप्लाई आपको ऑनलाइन ही करना है, जिसका लिंक यहाँ पर PDF फाइल में दिया गया है, तो यहाँ से आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी तरह की अगर प्रॉब्लम्स आती हैं फॉर्म को फिलअप करने पे, तो आप hr.dpdept@ssie.edu पर मेल भी कर सकते हैं। यहाँ से क्लिक करके देख लेते हैं ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से जिस कोर्स के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। मान लीजिए आप एग्जीक्यूटिव लॉ के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, 20 जून सभी की लास्ट डेट यहाँ पर दी गई है, अप्लाई पर क्लिक कर लेते हैं। यहाँ से आपको ये पूरा एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करना होगा। इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, नेम, डेट ऑफ बर्थ, सेक्स, एज, फादर्स नेम, एड्रेस ऑफ करस्पॉन्डेंस, ये पूरी डिटेल्स आपको मेंशन करनी होगी। देन आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन की डिटेल्स मेंशन करनी है, एंड यहाँ से ये आपको डिटेल्स यहाँ फिलअप करना है हायर एजुकेशन की डिटेल्स। इसके बाद आपका अगर डिग्री या डिप्लोमा है तो अप्लाई कर यहाँ फिलअप कर सकते हैं। एंड ये पूरी डिटेल्स आपको फिलअप करने के बाद डिक्लेरेशन करना होगा कहाँ से आप अप्लाई कर रहे हैं, सिटी से सिटी का नाम सेलेक्ट करना होगा। क्लिक हियर फॉर प्रीव्यू पर क्लिक करने के बाद आप सबमिशन कर सकते हैं। एंड आपको यहाँ पर अपने रिज्यूम भी अपलोड करनी पड़ेगी, आपके अपने रिज्यूम प्रिपेयर करके आप यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करके आप इसे अपना प्यार दे सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि जिसको इसकी जरूरत है उसको इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू।